सो गाइस, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं बैठा हूँ इधर किस्मत के सहारे, किस्मत के भरोसे। पैसा खुद चल कर आएगा। नहीं यार गाइस, कसम से इतनी मेहनत करनी पड़ी है ना रिएक्शन वीडियोस पे, आप लोगों की सोच होगी, आप लोग तो समझोगे कि जो लोग मतलब जो थोड़ा लाइक हेटर टाइप के लोग होंगे, पता नहीं देख भी रहे होंगे हेटर्स के नहीं। लाइक यार ये मतलब रिएक्शन बनाना कितना आसान है, ऐसे बैठो गाना सुनो। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता, गला सूख जाता है। ऊपर से मैं तो मतलब अब स्टूडियो बना लिया तो माइक वगैरह भी लगा लेता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, लाइट सेटअप अच्छा सा अरेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है एंगल काफी। अब मुझे कोई 15-20 मिनट लग गया आज एंगल सेट करते करते, पता नहीं क्यों, बस समझ ही नहीं आ रही थी मुझे कि मज़ा नहीं आ रहा, बस मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए मैंने जैकेट भी आज उतार दी कि बस यार ईजी होकर रिएक्शन करना है आज मैंने। ओके गाइज, ये तो मैंने गाना शुरू करने से पहले ही जो है ना अपनी खच्चे मारने शुरू कर दिए। आज ना मेरा दिल ये है कि मैंने अभी 4 रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद में बस मेरी बस हो जाएगी यार। इतने मैंने रिएक्शन, 4 रिएक्शन कर दिए ऑलरेडी, और आज रिएक्शन भी बहुत लंबे लंबे, पता नहीं क्यों मैं भूल ही जा रहा हूँ आज, पता नहीं क्या दिल कर रहा है शायद। सो आज ही मेरा दिल कर रहा है सारे रिएक्शन डाल दूँ एडिट करके। मोस्टली ऐसे होता है, मैं एक रिएक्शन डाल देता हूँ एडिट करके, बाकी 1 दिन 2 दिन गुजर जाते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, फिर वो मैं कहता हूँ अच्छा यार अब डालता हूँ, अब डालता हूँ, वो टाइम लग जाता है यार। एक तो हमारा नेट बहुत स्लो चलता है इधर। ओके गाइस, शुरू करते हैं। मैं हूँ सिर्फ यार पाकिस्तानी रैपर, थैंक यू सो मच हमारे रिएक्शन वीडियोस पे इतना क्रेजी रिस्पॉन्स देने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा फेक नहीं हो गया कि मैं इधर मतलब एक नेचुरली बातें कर रहा हूँ, फिर आके कोई नहीं, इंट्रो है, इंट्रो इस तरह होता है। बाकी गाना रिएक्शन करने लगे हैं, बोहिमिया के सॉन्ग पे गाइस। बोहिमिया ने हमारा रिएक्शन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया, और मैं भाई बोहिमिया का ये गाना लाइक जब से वो मेरा रिएक्शन शेयर हुआ है ना, उसके बाद से अभी तक बोहिमिया का कोई गाना नहीं ना आया था। सो अभी आ चुका ना, तो अभी मैं बात करूंगा खुल के कि ब्रो बोहिमिया ने लाइक मैं सो रहा था, मतलब ना इजी सो रहा था, दोपहर का टाइम था, लाइक अभी ये रात का टाइम है ना, अभी मैं रिएक्शंस बनाता हूँ मोस्टली इस टाइम बैठ के, फिर मैं एडिट वगैरह करके 6-7 सुबह के या 5 बज जाते हैं मुझे। सो मैं फिर सो गया। अब मैं जब 2 बजे उठाऊँ, मुझे भाई 100 कमेंट्स DMs के भाई देखो देखो, मतलब रिक्वेस्ट आई हुई DMs की के बोहिमिया ने आपका रिएक्शन शेयर किया अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। भाई मैं देख फुल खतरनाक वाला, मेरा दिमाग ब्लो कर गया, इतना लाइक क्रेजी वाला सीन था मेरे लिए। भाई मैं घर में इधर उधर मामा को दिखाऊं, छोटे भाइयों को, कि भाई ये देखो क्या सीन हो गया खतरनाक। उसके बाद मेरे दोस्तों की कॉलें आई, ब्रो बोहिमिया ने तुम्हारा लाइक, बोहिमिया का ये सीन है ब्रो कि मैं 2009 में बोहिमिया को मैंने सुन के रैप करना स्टार्ट किया। ये भी मैं स्टोरी ना कभी आप लोगों को बताऊंगा इजी टाइम पे बैठ के, बट अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने मैंने रिएक्शन करना, मैं अपनी बातें शुरू हो जाता हूँ। खैर उस टाइम मैंने स्टार्ट किया और वो इंस्पायर थी, उससे मैंने सुन के रैप करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और आज मैं बोहिमिया की इंस्टाग्राम स्टोरी पे हूँ ब्रो। इट्स लाइक क्रेजी, मेरे लिए तो क्रेजी शॉट था। मेरे गाने की लाइन है ना, 2009 मैंने राजा को सुना, मैं तो लिख रहा तब का, ये उर्दू रैप का तमगा मैं ले चुका कब का, ब्रो क्रेजी शॉट है। खैर रिएक्शन शुरू करेंगे। गाने का नाम है मुख्तलिफ और यासिर खान के साथ कोलैबोरेशन आई है। यासिर खान जो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने तो यासिर खान को ना लाइक बहुत कम सुना है, कोई इतना ज्यादा नहीं सुना, बट मैंने सुना हुआ है क्या खतरनाक वॉइस टोन है बंदे का, वॉइस टेक्सचर क्रेजी वाला है, उसके बाद म्यूजिक भी बहुत खतरनाक है, और आई थिंक सो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये आई थिंक सो बंदा बाहर होता है यार, मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैंने तलानजुम के साथ एक दो कोलैबोरेशन सुने थे शायद से यासिर खान के, कोई कराची वाला गाना था, वो भी बहुत मजेदार गाना था। खैर सुनेंगे यासिर खान फीचरिंग बोहिमिया मुख्तलिफ। और शुरू करने पहले से मैं ये बात बता दूं कि भाई ये गाना ना एक प्योर रैप होने वाला है, प्योर रैप। जी थिंक में बोहिमिया ने अपना स्टाइल दिखाया, जो चीज बोहिमिया ने हमारी शेयर की, बट अब यासिर खान के साथ है तो मैं मतलब फील कर सकता हूँ कि ये अंडरग्राउंड टाइप का एक नॉस्टैल्जिक सॉन्ग होने वाला है। अब आई डोंट नो क्या होगा वीडियो में, गाने में, लेट्स सी, देखते हैं गाइस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑलरेडी हमें बहुत प्यार मिल रहा है हमें। मेरा म्यूजिक सुन रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सुन सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं रिएक्शन, लेट्स गो। यस सर, यार इस तरह के वोकल सिंथ जो आते हैं ना मुझे बहुत सही लगते हैं यार, वाइब आती है बीट में। एक मिनट यार, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गाने के एंड पे ना थोड़ी सी बीट हो, ये वोकल वोकल सिंथ बहुत क्रेजी है यार, मेरा दिल कर रहा है इस पे रैप करने का। लेट्स गो।
Let's go. मुझे पता था जो वॉइस टेक्सचर आने वाला ना बंदे का एग्रेसिव. Let's go. चलो भाई. रिचर्ड मिली तोहफे में मिली स्पेनिश बंदी मेरे साथ बैठी रोलिंग ब्लंट्स नाम भी नहीं जाने मेरा से शी फक विद बैड बनी मैं लेब्रॉन आई एम अ बॉल महंगे शौक जाके मॉल स्पेंडिंग स्टूपिड मनी अराउंड द ग्लोब से मुझे लोग करे कॉल ब्रो यू सो गुड बट आई हैवंट हर्ड योर म्यूजिक लेटली क्वाइट फ्रैंकली कला से टूटा दिल और ये शायरी भी लोगों से अब नहीं. मैंने आप लोगों को बताया था कि प्योर रैप सुनने को मिलने वाला है भाई साहब. रिचर्ड मिली तोहफे में मिली फूफ. मैं थोड़ा पीछे से आऊंगा भाई. क्या खतरनाक यार, क्या खतरनाक स्टार्ट है यार. क्रेजी लेट्स गो. मैं लेब्रॉन आई एम अ बॉल महंगे शौक जाके मॉल स्पेंडिंग स्टूपिड मनी अराउंड द ग्लोब से मुझे लोग करे कॉल ब्रो यू सो गुड बट आई हैवंट हर्ड योर म्यूजिक लेटली क्वाइट फ्रैंकली कला से टूटा दिल और ये शायरी भी लोगों से अब नहीं संभलनी. हुनर तो मुझ में बहुत पर मैं कौन कभी धूल कभी गालिब कभी जॉन मेरा 3 साल पुराना गाना. Man, crazy. This is crazy. This is hip hop, man. Let's go. और ये शायरी भी लोगों से अब नहीं संभलनी. हुनर तो मुझ में बहुत पर मैं कौन कभी धूल कभी गालिब कभी जॉन मेरा 3 साल पुराना गाना आ जा रहा कला को समझे ये मजाक मुझे लेबल्स लगे जोक खोजते डील साउंड्स फनी मैंने कलम से एहसास लिखे आरों से रिन रैप सो आई कैन ब्रैग अबाउट माय मनी रब. ब्रो वो जो अभी यास ने बोला ना यास से यासिर खान कर दिया है तो के ना मेरा 3 साल पुराना गाना आ जा रहा. मैंने रस की ना रस जो इंटरनेशनल सिंगर है रैपर है उसने एक बात की थी कि ब्रो अगर आपका गाना ना अभी आपने बेशक ड्रॉप कर दिया है ये तो कुछ हमारे हम जैसे आर्टिस्ट के गाने इतने इतने लिखे पड़े होते हैं पीछे बट अगर आपने ड्रॉप भी कर दिया ना गाना और वो वायरल नहीं हुआ या उस पर व्यूज़ नहीं ना आए सो क्योंकि आर्टिस्ट या रैपर या सिंगर या जो भी होता है ना जितने भी गाने डाल रहे हैं जो अंडरग्राउंड मोस्टली रैपर ही होते हैं जिनके पीछे कोई भी लेबल नहीं होता कुछ नहीं होता वो मेहनत करते हैं सो वो गाने जितने भी डालते रहते हैं कभी कोई ऐसा होता है जाके उनका 10वां गाना 20वां गाना 30वां गाना 40वां गाना जाके ब्लो करता है उसके बाद उनके पिछले गाने ब्लो करते हैं उस वजह से कि मतलब आर्टिस्ट का रैपर का या आर्ट एक गाना होता है जो उसका करियर बनाता है प्रो. सो मैं ये और रस की बात बीच में रह गई कि उसने कहा था कि जो आपका गाना है ना अगर उस पर व्यूज़ नहीं है सो वो आपका गाना न्यू है वो पुराना नहीं हुआ. अगर आपने गाना डाला है और आप गाने डाल रहे हो 3-4 साल गुजर गए हैं और आपके पिछले गानों पे व्यूज़ नहीं है तो वो आपके गाने न्यू हैं लोगों के लिए ऑडियंस के लिए ना वो गाने बिल्कुल न्यू है फ्रेश म्यूज़िक है वो क्योंकि वो किसी ने सुना नहीं अभी तक. तो मेहनत करते रहो काम करते रहो जब व्यूज़ आएंगे या कोई गाना ब्लो करेगा ना तो सारे गाने ब्लो करेंगे. होप फॉर द बेस्ट. Let's go. मैंने कलम से एहसास लिखे आरों से रिन रैप सो आई कैन ब्रैग अबाउट माय मनी मैंने कलम से एहसास लिखे जहां जाऊं बंदे जाने बाउंस रेडी जस्ट इन केस कोई भी भैन का लोड़ा एक्टिंग फनी ओके बफाउंस से okay. को सो दूर रिश्तों से कभी बनी नहीं पैसों से मेरी जमी मेरा बाप नहीं पर अपनी अब औलाद है मुंतजर है मेरा कोई सोच के आंखों में अब खुशी से दिखे नमी लड़े ख्यालों से हर लफ्ज मेरी कलम से अब बीट डरे आखी पर हम्बल पर जहाँ पे मेरे मथे चढ़ा खून भाई हम गोल से सीना भरे माइक लेके लोंडे गुरु बने ये जो मेरे आगे खड़े बंदे सारे कल के जने I don't like to brag but the deal that I made with KDM was worth a couple lakh आवाज गूंजे Houston से Vegas कला जैसी मेरी जादू मुझे मरी बीट दे दे and I'll murder यार इससे पहले जो थोड़ा सा पार्ट जो आया ना यार क्या खतरनाक यार. ब्रो मैं ये वाला मतलब यासिर खान को सुन के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोच रहा हूँ कि क्या बोहेमिया ने क्या 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 डाला होगा इस गाने में. कला जैसी मेरी जादू मुझे मरी बीट दे दे एंड आई विल मर्डर देयर 2016 स्टूडियो के प्रोडक्ट्स खरीदे मैंने बेच के नारकोटिक्स यार मेरा धात दे मेरी कला की फखर से भाई हिला के अपनी बीनी उसे पता मेरे दुख मुझे कहता गाने डाल यू द फ्यूचर स्टार उसे नाज मेरी कला पे वो बंदा ना कोई वीर ना जूमी मेरी जिंदगी की तशरी तू अंधेरों और गहराइयों में ढूंढी तुझे तो पता सरेआम जिसका जिक्र भी ना कर सकूं मेरी जिंदगी में मसले इतने गहरे और अंदरूनी राजा इज बैक गैंग राजा. ब्रो
राजा का वर्स छोटा होने वाला है, ढाई मिनट का गाना चल गया यार। मैं यास की क्या बात करूं यार, क्या लिरिकली गाना लिखा यार, क्या खतरनाक गाना लिखा यार, क्या यार टेक्सचर ही नहीं पकड़ा जाता सबसे पहले तो, बाकी बातें बाद में करेंगे। राजा लेट्स गो। गहरे और अंदरूनी, गहरे और अंदरूनी। मैं पहली बारी जो मिले यास नो होश मेनू सीनी, दूजी बारी उन फिली च मैंने दिती मेरी बीनी, फिर कोई फर्क नहीं च मैंने। थोड़ा पीछे से आऊंगा मैं, कसम से गाइस झूठ नहीं बोला, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना गाना सुन रहा हूँ फकीर, जो मुझे ऐसे पता नहीं क्यों, बस उसमें ना थोड़ा ये वाला फ्लो के साथ इस तरह ना, एक वो बोली अद्धा पीर फकीर अद्धा रहंदा शराबी, ना मेरा रा रा मेरी जेड़ी मर्जी खुदा दी, मनु अपने आने लुटिया रब ने बना के इस दुनिया से सुटिया, कोई कवे दुनिया यार नहीं भूल सकते यार, दिस इज नॉस्टैल्जिक वाइब यार, मुझे कसम से ऐसा लगा ऐसा फकीर गाना स्टार्ट हुआ यार, क्रेजी यार। मेरी जिंदगी में मसले इतने गहरे और अंदरूनी, हां गहरे और अंदरूनी। लेट्स गो। राजा मैं पहली बारी जदों मिले यास नु उदों होश मेनू सीनी, दूजी बारी उन फिली च मैंने दिती मेरी बीनी, फिर कोई फर्क नहीं च मैंने किता ऐलान, उन्हां दी मावां नु सलाम जिहड़े सरेआम लैंदे मेरा नाम, पर मेरी बड़ाई च की रखिया कलम नु की लगे कि स्याही च की लिखिया, कलम नु की लगे कि स्याही च की लिखे। ओ मैन यार कसम से बोहिमिया पाजी ने मेरा ये देखा, बोहिमिया पाजी सीरियसली मैं आपको, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना यार, ये वाले वापस आ जाओ यार, यार सीरियसली ये वाले वापस आ जाओ, बहुत मिस करते हैं ये वाला बोहिमिया हम लोग। डैम ब्रो क्रेजी। कलम नु की लगे किसे आई चकी लिखिया, तू शायद रखे या जहर रखे, बगान वाले नु की लगे तू सराई चकी रखिया, बचपने च पत्थरां च मैं खेलदा सी, हुन लास वेगस च पहाड़ां च मैनू देखदा सही, जचे मेरे ते हर एक ब्रांड पर बैलेंसियागा वाले दिन दे मेरे फैंसी। ओके बाकी सारे अनफ्रेंड सोड़ी ओ ही नाल जदा वेरिफाइड इंस्टाग्राम, लक ओ दा 28 वेट 47 किलोग्राम्स, नचे जिवे पतंग उड़े मेरी फ्लाइट उड़े वैरिया दे रंग उड़े, विन करा वैरिया दे नोट उड़े अबू धाबी चुछ। Damn, the fucking flow man, the fucking flow. 47 kilograms nache jive patang utte meri flight utte vairiyan de rang utte, that's when gara vairiyan de note utte abu dhabi ch soni mere naal nache boat utte, main shop kara bina check kitte price ki blue rolls royce, soni candy you look mad familiar, I gotta look at you twice, look at you ooh change hona menu jinni wali dekhoge main same hona, nale sidhi sidhi gal vire kada rona, jinne jinni wali jitna blame hona, ki change hona menu jinni wali dekhoge main same hona, nale sidhi sidhi gal vire kada rona, jinne jinni wali jitna blame hona ho, main tu rango main tawajo main tu de hona ooh depth bro raja depth raja Raja is one bro, is one and only Raja. यार बीट नहीं है ना लास्ट पे, मेरा बड़ा दिल था इस पे करने का कुछ। Oh damn bro, क्या यार मेरी पूरी ये गाना एनर्जी खा गया मेरा, ये लास्ट रिएक्शन मैं कह रहा था कि बस ये लास्ट है और ये वाकई लास्ट होना था, क्योंकि यार इसके बाद से जान नहीं आप वो रिएक्शन ब्रो, बट क्या गाना है यार ब्रो, ये ऐसा गाना है जो मैं ना, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत टाइम के बाद इतना प्योर रैप ना कोई मतलब अभी का लेटेस्ट सुना होगा प्योर रैप जो, और वो भी यार यार खतरनाक लेरी करी यार, वाई बा गाने में डेप्थ है इतनी खूबसूरत यार, मैं बोहिमिया के बारे में बात करूँ कि क्या खूबसूरत राइमिंग की गई है ब्रो, इज लेजेंड मैन, हिज इंस्पायरेशन फॉर मी फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस देसी हिप हॉप किंग मैन, और यासिर खान का जो वर्स था ब्रो स्टार्ट में जैसे आया और मिड पे जाके जो बंदे ने अपने साथ अटैच कर लिया कुछ अपनी स्टोरी सुना के और थोड़ा सा एग्रेसिव शिट के साथ ब्रो, थोड़ा गैंगस्टर वाइब वाली वाइब देकर, और उसके बाद बोहिमिया क्या गाना आ गया यार, खतरनाक यार, बहुत बहुत सही, बहुत सही। ये रिपीट में मैं और क्या ही बात करूँ यार, मैं और क्या ही बात करूँ, मैंने इतना कुछ बोल दिया भाई,
मजा आ गया गाइज, आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर यहाँ तक आपने रिएक्शन देख लिया है। अगर यहाँ तक देख लिया ना तो भाई आपके लिए बिग 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 लव है, बिग लव, बिग लव। और मेरा म्यूजिक सुन रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सुन सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, पीस, बाय बाय यार, सो जो तुसी भी, रात काफी हो गई है, पता नहीं यार रिएक्शन में कदों पाना है। आज तो कसम से मैं थक गया यार, ये गाना तो गाना ना मुझे, मैं थका हुआ था बट ये गाना ना मुझे यार मजा आ गया, क्या गाना है यार, क्रेजी शिट गाना ना यार। हिप हॉप में जान है ब्रो, हिप हॉप ना एनर्जी है, सुन के मजा आता है ब्रो। 2009 मैंने राजा को सुना, मैं तो लिख रहा तब का, यू ऑन माय लेवल ब्रो, लेट्स गो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खत बंद, लव। यार बना सारा रैपरों का तबका, 2009 मैंने राजा को सुना, मैं तो लिख रहा तब का, ये उर्दू रैप का तमगा मैं ले चुका कब का, अभी भी तो करे हसद आजा मेरा, मैंने शुरू किया रैप जब अटकने दी बहुत आई, लोगों के थे ताने, वक्त की है मार खाई शुरू से, मेरा मकसद ही बहुत था, स्कूल तो मैं जाता पर करता ना पढ़ाई, उधर लिखता था मैं रैप, यार कहते बहुत आई जिगर, बस थाना मेरे तब से दिखाई देता विजन क्लियर, डियर गॉड तेरे पे उम्मीद है बस, छोड़ी नहीं साथ तू, उसने दिया छोड़ तब जब बदले थे हालात, क्योंकि मैं तो करता नहीं कुछ था, क्योंकि मेरा बाप लाया सब वो जिसकी मैंने ख्वाहिश की, वक़्त लाना अब वो ये घड़ी आजमाइश की, ला दूं मैं वो सब जिसकी बाबा ने थी ख्वाहिश की, हालात सदा यकसा नहीं रहते, मायूसी देती मार, बंदा बड़े ये है कहते। पुराना पुराना बुहिमिया या दा पीर कीर वो वाली वाइब आई थी इसका।